हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, आज की ये वीडियो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। मैं बताऊँ कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप सबको पता है। मैं बताना चाहता हूँ कोरोना वायरस कहाँ से शुरू हुआ। कोरोना वायरस चीन की एक वुहान मार्केट से हुआ, जहाँ पर चाइनीज कुत्ते बिल्लियों का मांस खाते हैं और उसी से कोरोना वायरस। अब जब कोरोना वायरस पूरी इंडिया में नहीं, चीन में नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज हो भी सकता है, मैं आपको बताना चाहूंगा इसका इलाज क्या है और कैसे बचना है, कैसे क्या करना है। अब देखो, जो कुछ लोग अपनी कंट्री में आते हैं और दूसरी कंट्री में जाते हैं, उनको रोका जाए तो इसका मतलब कोरोना वायरस हो सकता है, क्योंकि उधर उधर जाने से प्रवेश होता है, दूसरे के पास ही कोरोना वायरस लग सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे हजारों लोग पीड़ित हैं, इससे हजारों लोग पीड़ित हैं और हजारों लोग मतलब मर चुके हैं, जिससे कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सिर्फ एक उपाय है कि बहुत से उपाय मैं आपको बताऊंगा कि मतलब अपने मतलब माथे पर मास्क लगाएं और मतलब खांसी और छींक जो भी आए मतलब दूसरे के पास न जा पाए, जिससे कीटाणु फैलते हैं। कीटाणु फैलने के कारण वो शरीर में जाते हैं, शरीर में जाने के कारण उसको बुखार आने लगता है और बहुत टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसके कारण उनको मतलब बहुत सी बीमारियां, कोरोना वायरस हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मास्क लगाएं और मतलब मुर्गा मछली ये ना खाएं, क्योंकि मुर्गा मछली खाने से मतलब इसमें भी बहुत कोरोना वायरस फैल चुका है। आजकल मुर्गा मछली बहुत सस्ता हो गया, आप तो आजकल बहुत लोग ऐसे खा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मुर्गा मछली खाते हुए, ये कुछ ना खाएं और इससे सावधान रहे। मैं बता रहा हूँ यही इसके लक्षण है। कोरोना वायरस तो पूरी इंडिया में क्या ऑल इंडिया में फैल चुका है, हर जगह फैल चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस से बचने की बहुत सी बातें हैं, बचें कोरोना वायरस से।